week, second, one will be passed. At ke liye. Self or self. your moment of now here. हर मोमेंट प्रेजेंट में भी जैसे भी आ रहा है पास्ट होता जा रहा है ये छोटी बात नहीं है समझना ये बहुत बड़ी बात है actually you have freedom जहां पास्ट के थॉट्स, फ्यूचर के थॉट्स अपने नहीं लगते वहां कोई कहानी कोई इमोशंस कोई फीलिंग्स पास्ट और फ्यूचर के ऊपर बेस्ड अपनी नहीं लगती जो अपनी नहीं लगती वो कर्म में भी नहीं आती कर्म में नहीं आती तो वो कहानी कमजोर होकर मर जाती जाती पर्सनल आइडेंटिटी फिनिश्ड अगर कोई पास्ट और फ्यूचर का संकल्प अपना नहीं लगता तो इसीलिए साइलेंट विटनेस ही त्रिकादर्शी है अपनी टाइमलेस स्थिति से बाबा के साथ टाइम के कॉन्सेप्ट को माइंड मेड टाइम के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साक्षी होकर देख सकती है फ्यूचर के संकल्प अपने नहीं तो बंधन का इल्यूजन भी खत्म कहाँ है बंधन भ्रम है भ्रम लिए बाबा के साथ में कंबाइंड रहने का मतलब है एकदम टाइमलेस स्थिति आत्मा Belco Mot.

बाबा ने आज स्वदर्शन चक्र के लिए बोला है ना क्यों बाबा स्वदर्शन चक्र घुमाने के लिए बोलते हैं वो हम थोड़ा सा पहले वो देखेंगे फिर हम कल की मुरली पर जाएंगे इस तरह के स्थिति को पहचानने के लिए तो देखते हैं बाबा बच्चों से पूछते हैं नंबर वार वतन भी नंबर वार जरूर याद आता होगा बच्ची को भी यह जरूर याद आता होगा कि पहले मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ फिर आती हूँ सुखधाम में यह तो जरूर अंदर में समझते होंगे मूल वतन से लेकर यह जो सृष्टि का चक्र है वह कैसे फिरता है इस समय हम ब्राह्मण हैं फिर देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे यह तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना क्यों चलना चाहिए क्यों बाबा आत्मा को बोल रहे हैं कि पहले ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब चलते रहना चाहिए क्यों चलते रहना चाहिए क्यों जरूरी है क्या फायदा क्यों क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब याद रहना चाहिए Hmm. क्योंकि एक भी संस्कार मैं नहीं हूं <laughs> ये सब सारे संस्कार मेरे अंदर है तो जब ये संस्कार मेरे सामने आएंगे तो मैं आत्मा उनको देखकर अपना नहीं बनाऊंगी ये मेरे अंदर प्ले के लिए सामग्री दी गई है तो बाबा ये नहीं कह रहे कि ठीक है तुम्हें पता ही नहीं होना चाहिए तुम भूल जाओ ये है ही नहीं जैसे नहीं यू शुड नो अगर ये पता नहीं होगा तो जब ये आएगा सामने आत्मा आत्मा वो इसलिए बता रहे हैं ताकि आत्मा इनसे अपने ट्रुथ को भी पहचान जाए हमने वो बोल का एग्जाम्पल दिया था ना कि मुझे वो चारों एप्पल्स पता हो मेरे साम मेरे अंदर रजो प्रधान संस्कार भी है सत्व प्रधान संस्कार भी है तमो प्रधान संस्कार भी है ताकि जब रजो प्रधान संस्कार मुझ आत्मा एब्सल्यूट आत्मा के सामने आए क्या होता है रजो प्रधान संस्कार हाइपर एक्टिव ये भी करना ये भी करना ये भी करना ये भी करना हम सेवा में भी करते हैं होता है सेवा में भी दस तरह की Uh, क्या बोलते हैं रजो प्रधान सेवा वेरी वेरी कॉन्स्टेंटली ऑक्युपाइड और प्रधान होता है लेजीनेस तो ये जब संस्कार सब हमारे सामने आते हैं तो वो जातना को पता है ये सब मेरे अंदर है तो व्हाट्स द प्रॉब्लम आई एम नॉट देम मैं तो खाली बोलूं मुझे क्या प्रॉब्लम है डिफरेंट आ रहे हैं, तो मेरी इनसे जब बिल्कुल ही एकदम मुझे ये पता चलने लग जाता है स्वदर्शन चक्र घुमाने से सबसे पहले तो कि मेरे बुद्धि के अंदर ये सारे तरह तरह की वैरायटी प्रकार के संस्कार हैं। फिर बाबा हमें कहता है पाठ बजाया है यह भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा कहेंगे हम यह डबल सिरताज थे फिर सिंगल ताज वाले बने फिर सारी राजाई ही चली गई तमो प्रधान बन गए यह चक्र तो फिरना चाहिए ना बाबा तो बोल रहे सब कुछ फिरना चाहिए आज <laughs> सिर्फ अच्छा अच्छा वाला नहीं ये भी सब पता होना चाहिए कि हम तमोप्रधान भी थे हम नीचे भी गिरे पाठ में मैं आत्मा ने तमोप्रधान संस्कार का स्वरूप बनी तो मतलब उससे ये पता चलेगा कि मैं एप्सल्यूट बींग तरह तरह के रूपों को धारण करती हूँ हम्म हु? यह चक्र तो फिर ना चाहिए ना इसीलिए नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी क्या फायदा होता है अगर आप आत्मा अपने अपने अनुभव से बताएं क्या फायदा होता है आपको जब अगर आपको बाबा बता रहे हैं कि तब जाके क्वेश्चन नहीं आएगा हाँ क्वेश्चन ही नहीं उठेगा ये संकल्प क्यों आया ये तमो प्रधान संकल्प क्यों आया नहीं आना चाहिए था उठेगा ही नहीं क्वेश्चन हाँ ये क्लीनिंग हो रही है ये सब सामने आएंगे सब ऊपर आएंगे आने चाहिए क्या लिखा हिंसा बंद आ बिल्कुल डबल अहिंसक स्वरूप बिल्कुल क्लियरली दिखेगा आत्मा को सब कुछ मेरे अंदर है बिल्कुल ये सब है तो ना मैं अपने अंदर के पाठ को जज करूंगी तमो प्रदो तमो रजो सतो ना किसी और के पाठ को जज करूंगी मुझे दिखेगा हाँ ये सत्योप्र ये आत्मा एकदम एप्सल्यूट है इसके अंदर अभी वो तमोप्रधान संस्कार इमर्ज हो रहा है बस नो जजमेंट एनी पर इस आत्मा के अंदर सत्तो प्रधान संस्कार भी है वो हर आत्मा के अंदर है पर आत्मा एप्सल्यूट बींग है तो अभी वो अपने आप को वो स्वरूप मानकर प्ले कर रही है सो so वॉट उसका ट्रुथ थोड़े ना चेंज हो रहा है तो ये बाबा बोल रहे हैं इसीलिए कि पार्ट बजाया है वह भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा कहेंगे हम डबल सिरताज ताज थे फिर सिंगल ताज वाले बने ये भी याद रहेगा फिर सारी राजाई ही चली गई तो आत्मा ने वो भी पार्ट प्ले किया ये भी वंडरफुल फिर तमो प्रधान बन गए वो भी पार्ट प्ले किया ये भी वंडरफुल गिल खत्म रिग्रेट खत्म सब कुछ खत्म नो टेंशन सिर्फ अटेंशन ब्यूटिफुल लाइफ कुछ भी रियल नहीं है सब पार्ट में है वेरी गुड है ना तो जितना ही इसलिए बाबा हमको बोल रहा है ये सब पता होना चाहिए आत्मा को आत्मा को ज्ञान मिला है आत्मा को दर्शन हुआ है अपना ये है स्व का दर्शन ये मैं और ये मेरे अंदर ये है स्व का दर्शन तो मैं बीइंग तो मतलब पता होते ही मैं परम धाम की निवासी ये मेरे अंदर ये मेरे अंदर का ड्रामा कितना क्लियर है ना ये बाबा आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं आत्मा जानती है तो अब सच्ची इस ज्ञान से अब क्या होता है ना ये जब समझ क्लियर हो जाती है तो किसी के भी पाठ को तमो प्रधान के पाठ को देखते हैं या बहुत रजो प्रधान पाठ को भी देखते हैं ब्राह्मण जीवन में भी रजो प्रधान तमो प्रधान पाठ को देखते हैं हम अंदर कुछ आता नहीं है ना समझ से अगर आ भी रहा है तो वो मेरा रजो प्रधान तमो प्रधान संस्कार है अंदर उनका नहीं <laughs> हाँ तो वो दिख जाता है साक्षी होकर तो बाबा का ये इतना ब्यूटीफुल है आज स्वदर्शन चक्र घुमाना क्या होता है फिर बाबा उसको हाईलाइट करते हैं जो कि हमारे के अलाइनमेंट में है फिर उन संस्कारों को बाबा बोलते हैं इनको अब तुम सब तुम्हें पता चल गया है अब तुम इनको जो है बाबा के जो ड्रामा के लिए तुम्हारे अंदर ये भी सामग्री है अच्छी वाली जो है ना अच्छी मतलब जो गॉड लाइक -like संस्कार है उनको अब तुम यूज कर। तो पहले अपना दिखाता है उसमें मेरे अंदर का जो ड्रामा है सब दिखाता है ऊपर नीचे का तो बाबा बोलता है पार्ट में ऊपर नीचे ऊपर नीचे तो होगा ना बच्ची ये तो पार्ट है तुम आत्मा हो। तो जब मुझे अपने एप्सल्यूट ट्रूथ का पता चलता है तो फिर अपने आप ही दूसरे जो ऑटोमेटिकली बाबा के संस्कार है वो यूज होंगे तो फिर अपने आप ही ये जो बुद्धि के अंदर सत्व प्रधान संस्कार अपने आप ही इमर्ज होंगे हम चूज नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली इमर्ज होंगे और जब दूसरे वाले आएंगे तो वो आएंगे दिखेंगे जाएंगे अच्छा तुमने तुमको भी मैंने प्ले किया है आत्मा देखेगी बाबा के साथ हाँ इनको भी मैंने प्ले किया है इन तमु प्रधान प्रधान संस्कारों को भी मैंने प्ले किया है आए हो जाओ इसका भी मैं स्वरूप बनी हूं नो प्रॉब्लम नो गिल्ट नो शेम नथिंग और वापस बनूंगी इटर्नलीफ <laughs> बस खत्म हो गया अब आने वाला नहीं है ऐसा नहीं है वापस आने वाला है सब कुछ पर क्या प्रॉब्लम है so प्रॉब्लम है आप वापस आप वापस देवी देवता का पार्ट प्ले करोगे शूद्रा का भी पार्ट प्ले करोगे प्रॉब्लम है हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्टी तो है मेरा ट्रुथ थोड़े ना बदल रहा है नो प्रॉब्लम इसीलिए जब हम कभी किसी के साथ बाहर जाते भी हैं ब्रदर्सों के साथ अगर जाना होता है कोई मीट खा रहा होता है हमारे सामने नो प्रॉब्लम सो वॉट ड्रिंक्स कर रहे होते हैं मीट खा रहे होते हैं हमारे सामने तो हमारा क्या प्रॉब्लम है उस आत्मा के अंदर का तमो प्रधान पार्ट चल रहा है अभी मुझे तो पता है ना उसका एप्सलूट सत्य क्या है हाय ये ऐसे वैसे ये ऐसे कैसे खा लेते वो सब नहीं आता <laughs> आता नहीं आता है ना अगर आता है तो साक्षी होकर देख लो वो मेरे अंदर का तमो प्रधान संख्य बोल रहा है उनका थोड़ी ना कोई गलत है कुछ है ना हम्म खाते खाते पाठ है उस आत्मा का सौवाठ so हम तो कई बार जाते हैं इतने बड़े बड़े स्टे... वो लेके रखते हैं उनकी प्लेट्स में वो ऐसे बड़े <laughs> मीट के टुकड़े <laughs> 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 तो मेरी नजर उसकी प्लेट पे है कि मेरी नजर उस आत्मा के ट्रूथ पे एब्सोल्यूट ट्रूथ के ऊपर है <laughs> <हुँ>? <laughs> थिंग रॉन्ग को अपने उस चारों वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पाठ पे जाना है ठीक है उनका ब्राह्मी पाठ प्रधान पार्ट कुछ और है मैटर आत्मा तो है तो बाबा इसीलिए हमें सिखाते हैं कि बिल्कुल नॉन जजमेंटल स्थिति आत्मा की एकदम अलग हो जाए उससे इसलिए बाबा बोल रहे अब आत्मा को दर्शन हुआ है किसको क्या याद आता होगा किसको क्या याद आता होगा ऐसे नहीं कि सभी समय तुम इस अवस्था में बैठ जाएंगे नहीं बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती हैं किसको क्या याद आता होगा किसको क्या याद आता होगा अब सब बातों को समेट एक को ही याद करो अब बाबा को याद करना कितना इजी हो जाता है मतलब हमें याद नहीं करना होता है हम रहते ही बाबा के साथ है ना तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो तुम तो जो पाठ बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है जो जितना मेहनत करते उतना ही फिर पद है पद बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है यह सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है बाबा बोले आप समान सॉरी हाँ तुम जो पाठ बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है जो जितना मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती अब है अब क्यों इंपॉर्टेंट है आई डोंट केयर कि मेरी पूजा हो रही कि नहीं रही मुझे थोड़े ना पता है पर क्यों बाबा हमें ऐसे बताते हैं क्यों बताते हैं पहले मेरा मन है ना ऐसे बोलता था आई डोंट केयर आई डोंट की बाद में भक्ति में पूजा होनी है कि नहीं होनी कौन सा मुझे आज पता चल रहा है ना मुझे उस वक्त पता होगा कि मेरी भक्ति होगी कि नहीं होगी तो फिर मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है पता होना क्यों बाबा बता रहे <laughs> पुरुषार्थ करें विद संस्कार वो आ, वो संस्कार मुझे भी ऐसा होता है संगम के लिए हम्म सबसे पहले तो मन सरेंडर होगा देखो क्या होता है ना आज दुनिया में किसी को नहीं पता है बाबा के ज्ञान के अलावा कि आने वाला टाइम कौन सा है और पूरे साइकिल में क्या होता है आत्मा कैसे कैसे अलग अलग पार्ट बजाती है आज किसी को भी नहीं पता है हम्म उसकी अपनी अलग एक उस वजह से अंदर एक भय बैठा होता है जब पता नहीं होता है हम्म तो वो सोचते बस हम तो गए निर्वाण धाम में पाठ है उनका गलत नहीं पर वो भक्ति में क्या होता है कि निर्वाण धाम में गए बस उसमें लीन हो गए दुनिया खत्म फिनिश्ड अब हम कभी वापस आएंगे ही नहीं इस धरती पे ट्रू यही होता है ना तो जब कभी वापस आना ही नहीं है तो फिर मुझे जागने की भी क्या जरूरत है एक बार घर चली जाऊंगी तो चली जाऊंगी दैट्स दैट्स इनफ तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो बाबा दे रहे हैं इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज देयर विद इन यू है ना कि तुम फिर भक्ति में भी तो तुम्हारी जो इच्छा मात्रम अविद्या स्मृति है वो एकदम से जागृत हो सकती है जब मुझे सब कुछ पता होता है ना तब मैं इच्छा मात्रम अविद्या की स्मृति में बहुत इजीली नेचुरली अपने आप को देख सकती हूँ वो मेरा अपना ट्रुथ है वो मेरी अपनी स्मृति है और स्थिति है इच्छा मात्रम अविद्या तो जितनी इस मोमेंट में मैं अभी इच्छा मात्रम अविद्या की स्मृति को अनुभव करूंगी उस अनुसार मेरा पार्ट खुलेगा है ना हाँ सब पार्ट्स कनेक्टेड है मेरे ही जितना मैं अपने उस सत्य स्वरूप को इच्छा इच्छाएं कब खत्म होगी जब पूरी नॉलेज होगी पूरी नॉलेज ही नहीं है तो इच्छाएं भी खत्म नहीं होने वाली सूक्ष्म में कहीं ना कहीं बैठी होगी और कुछ नहीं तो एटलीस्ट आई शुड नो आई है ना तो जितना मैं अपने उस जीरो इच्छा मात्र मतलब जीरो इच्छाएं हैं उस स्वरूप को मैं पहचान गई अब लॉ ऑफ नेचर इज सच दट मेरा पाठ उस अनुसार खुलेगा कोई इच्छा नहीं कि मेरी पूजा हो मैं राजा बनू सत्ययुग में कोई इच्छा नहीं है मेरी मैं इस मोमेंट में अपने सत्य स्वरूप को पहचानू कि मैं हूं ही मन बुद्धि संस्कारों की राजा है ना मुझे सब आत्माओं का बिल्कुल सत्य स्वरूप पता है तो सर्व आत्माओं को क्या वाइब्रेशन मिल रही है दुनिया में चाहे आपको वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है सर्व आत्माओं को आपसे क्या वाइब्रेशन मिल रही है हाँ पाठ उसी अनुसार खुलेगा ना जिस अनुसार जिस हद तक मैंने अपने स्थ स्मृति को पहचाना है देखो हम किसी ऑर्डिनरी फिल्म में भी ऑडिशन के लिए जाते हो तो ऑडिशन में डायरेक्टर है ना देखता है आपका आप किस पार्ट के लिए सुटेबल हो राइट right? ऑडिशन में डेंट मीन एक पार्ट बेटर है दूसरे पार्ट से बस फिल्म में अलग अलग पार्ट है ऑडिशन होता है राइट right? होता है हम्म ये नहीं कि वो बेटर और वर्स है पर हर एक पार्ट की अपना एक महत्व है पर एक ऑडिशन होता है बेस्ड ऑन आपको ये पार्ट ठीक है आपके लिए पार्ट ठीक है आपके लिए ये पार्ट ठीक है ताकि आप जो भी पार्ट प्ले कर रहे हो उसमें आप सक्सेसफुल रहो खुशी से प्ले कर सको रीजन तो यही होता है ना बाबा बोल रहे हैं अब तुम्हारे अंदर सब तरह के हैं हर आत्मा को हंड्रेड परसेंट ऑप्शन दिया है तो तुमको कौन सा पार्ट प्ले करना है आत्मा अभी अपने जीरो ये जो है लिविंग ड्रामा है जो बाबा ने बताया ये वाला तो ड्रामा लिविंग ड्रामा है ये बना बनाया वाला मेक बिलीव ड्रामा नहीं है लिविंग है आत्मा लिव करती है उस ड्रामा को है ना मैं लिव कर रही हूँ उस ड्रामा को इसलिए बाबा मुझे अभी संगम में बताते हैं कि तुम्हारे जो जितना मेहनत करते मतलब जो जितना जागृत है अपने को उतना ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है यह सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है इसका भी बहुत भारी महत्व है मतलब ये टू अंडरस्टैंड टू व्हाट एक्सटेंट आर यू अवेक दैट इज ऑल हमें उसको बाबा अगर कुछ बता रहा है तो उसको डिग्रेड नहीं करना उस बात को। उसको नीचे नहीं करना है गिराना नहीं बाबा किसी रीजन की वजह से बता रहा है ना पहले मेरा मन ऐसे ही करता था आई डोंट केयर बाबा बट <laughs> बाबा इसलिए बता रहे कि तुमने अपने इस सत्य स्वरूप को अभी कितना पहचाना है कि तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं बच्ची तुम्हारे अंदर वर्ल्ड मदरली फीलिंग्स हैं बच्ची तो अभी तुम अपने अंदर जितनी वर्ल्ड मदरली फीलिंग्स को इमर्ज करोगे वो ऑटोमेटिकली हम करते नहीं हो जाती है जितना हम बाबा के साथ रहते हैं तो अब भी तुमको कैसे देखना है अपने आप को इस वजह से बाबा हमको ये सब बताते हैं है ना अभी तुमको कैसे अपने आप को देखना है क्या तुम्हारी पॉसिबिलिटीज है हाँ तभी तो हर एक का पार्ट ब्यूटीफुल लगेगा हर एक का पार्ट वंडरफुल लगेगा किसी के पार्ट से कोई शिकायत नहीं लगेगी की वर्ल्ड मदरली फीलिंग्स आपकी इमर्ज हो रही हैं तो वो वर्ल्ड मदरली फीलिंग ही तो है भक्ति कोई मेरी कर रहा है ये नहीं है मेरा स्वरूप देवी देवता का जो है जिसका मैंने फॉर्म लिया था मुझे आत्मा ने ही उस फॉर्म को प्ले किया था वो आज भी आत्माओं को उसका मदरली रूप याद दिलाता है जब मैं आत्मा मान लीजिए मैं तो कभी टेंपल गोवर इतनी थी नहीं पर जब भी, भी किसी कभी गई भी हूं टेंपल में ऐसा तो नहीं कि कभी गई नहीं है तो हमेशा वो स्वरूप देख के लगता था कि एक एक बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग उस मूर्ति से निकलती थी मतलब वो खुद के अंदर ही था पर वो एक फीलिंग दिखती थी वो मूर्ति के अंदर एक यू you नो know, uh, क्या बोलेंगे आप uh, एक प्यार एक uh, सहन शक्ति एक uh, Powers, वो दिखती है मूर्ति के अंदर राइट right? तो बाबा बोल रहा है कि ये तुम्हारे अपने अंदर है ये संस्कार ये मूर्ति के जो संस्कार होते हैं जैसे बोलते हैं ना कि कोई इसको मारे भी कोई इसको पीटे भी जो कोई काट भी रहा है उसको चिजल भी कर रहा है हैमर भी कर रहा है पर वो एकदम स्थिर साइलेंटली खड़ी है खुशी से मूर्ति तो क्या मेरे अंदर से वो संस्कार में आत्मा अभी अपने ट्रुथ में रहकर वो इमर्ज हो रहा है है ना हैमरिंग हो रही है चिजलिंग हो रही है तो बाबा वो याद दिला रहे हैं हमें कि अभी तुम्हारी हैमरिंग भी होगी चिजलिंग भी होगी बाहर से नहीं सिर्फ अपने अंदर के संस्कारों से भी तो इसलिए बाबा याद दिला रहे हैं हमको कि भक्ति उनकी फिर पूजा होती है क्योंकि अभी उसने बहुत वो खाए हैं हैमर और चिजल तो रेडी हो हैमरिंग और चिजलिंग के लिए अभी <laughs> हाँ बाहर से नहीं अपने अंदर की पहले दुनिया से आपके ही मिनिस्टर्स अभी आपको हैमर और चिजल कर रहे हैं हम्म बिल्कुल तो इसलिए बाबा हमें ये सब याद दिलाते हैं और कोई रीजन नहीं है बाबा का याद दिलाने का है ना तो तुम सिर्फ पाठधारी हो बाप तो सिर्फ ज्ञान देने का पाठ बजाते हैं इसीलिए बाबा ने कल बाबा मिलन मुरली में हमें इतना ऊपर चढ़ाया कि हम तो बाबा से भी आगे जा सकते हैं बाबा में तो सिर्फ गॉड पार्ट है हमारे अंदर तो सारा रात दिन अच्छा बुरा सारा पार्ट है उसके बावजूद हमने बाबा को पहचाना है बाबा का हाथ पकड़ा है सब फोर्सेज उल्टे उल्टे फोर्सेज अभी तक वो विंड्स हमारे सामने हैं कहीं गई नहीं है अभी बीस सेकेंड में भी आ रही होंगी अपोजिंग फोर्सेस आ रही होंगी शांत बैठी होगी थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाएगी <laughs> फिर आ जाएगी वापस थोड़ी देर में <laughs> हम्म? और फिर भी हम अपने उस सत्य को अपना ट्रुथ समझ रहे हैं कि मैं कैप्सुल ट्रुथ वाली आत्मा हूं ये छोटी बातें नहीं है ये बहुत बहुत बहुत, बहुत बड़ी बातें ये मैजिकल बातें हैं ये समझ जाना ये सब मेरे अंदर है मेरे अंदर कांस्टेंट नॉइज चलेगी अंत तक मेरे अंदर कांस्टेंट मूवमेंट चलेगा अंत तक पर मैं आत्मा एब्सोल्यूट ट्रुथ हूं ये एक जानना उसको समझकर चलना इट इज अ मिरेकल मिरेकल है ये मेरे ये नहीं है कि हाँ मुझे एक बहुत आनंदित फीलिंग आई क्योंकि माइंड कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है आत्मा को सम ब्लिसफुल फीलिंग या फिर आत्मा को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा इन टू विजुअल या फिर मन आत्मा को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा इंटू समटिक्युलर संस्कार की वहां ऐसा अच्छा वाला ही मैं हूं और या फिर आत्मा को मन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा और किस किस में कॉन्ट्रैक्ट करता है आपको बस प्रधान संस्कार में हूं प्रधान संस्कार मेरे नहीं है सत्व प्रधान संस्कार बस उसी को पकड़ के बैठने पकड़ के होल्ड ऑन टू योर ट्रूथ होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन करता रहेगा अनुभव को इस एक्सपीरियंस को पकड़ के बैठ जाऊं बस में सत्य को पकड़ा जा सकता है पकड़ के बैठ सकते हो या सत्य आप हो <laughs> मैं सत्य हूं मुझे पकड़ना नहीं है ये टेंडेंसी है हम सब आत्माओं के इसके अंदर तुम नहीं देखा इसने अभी नहीं है क्योंकि काफी टाइम से ये अटेंशन दे रहे हैं हम पर अभी आप चेक करना आप आपके अंदर ये टेंडेंसी आप हर एक आत्मा खुद की अपनी चेकिंग कर सकती कोई नहीं कर सकता एक टेंडेंसी है कि जब प्रधान संस्कार अंदर इमर्ज होते हैं तो लगता है मैं आत्मा नहीं हूं अब हम्म ये टेंडेंसी किस किस में किस किस ने देखी है अपने अंदर कि जब अच्छा अच्छा सत्व प्रधान संस्कार फील हो रहे होते तो, तो लगता है हाँ बहुत ब्लिसफुल एक्सपीरियंस है मैं अब आत्मा हूं पता चल गया है फिर जैसे ही ऑपोजिट एक्सपीरियंस आया मैं आत्मा नहीं हूं बनना है ये अनुभव जाएगा तब मैं आत्मा बनूंगी हम्म ये देखा है ना तो फिर मैंने अभी तक बाबा जो बता रहे हैं समझा नहीं है आत्मा मीन्स सब तरह का अंदर सब कुछ अंदर चल इसलिए ये जब क्वेश्चन आता है ना कि हम पूरे दिन कैसे प्रैक्टिस करें आत्माभिमानी स्थिति की दिस शोज मैं सिर्फ अच्छे अच्छे अनुभवों से अपनी पहचान बनाकर बैठी हूं दूसरे अनुभव अपने नहीं लग रहे हैं और नहीं मतलब दूसरे अनुभव हटाने मिटाने खत्म करने इनटॉलरेंस टूवर्ड्स ऑपोजिट अनुभव तब ये क्वेश्चन आएगा मैं पूरे टाइम आत्माभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस कैसे करूं हाँ ये पर्सन आइडेंटिटी पूछती है कि मैं कैसे प्रैक्टिस करूं मन में हर प्रकार की फीलिंग आएगी हर तरह की फीलिंग आएगी और आनी भी जरूरी है, है ना हाँ ब्राह्मण जीव ने पहले ही हटाने की योजनाएं बनाए रहते थे सारा टाइम हाँ <laughs> यही योजनाएं चलती थी अंदर। <laughs> नहीं लो फीलिंग इज जस्ट अ तमोप्रधान संस्कार जो आपके अंदर आपके सामने इमर्ज हुआ है ब्लिसफुल फीलिंग इज जस्ट सतो प्रधान संस्कार जो आपके सामने एब्सुल्यूट बींग के सामने इमर्ज हुआ है है ना? मैं आत्मा एकदम साक्षी सब अनुभव इंटिमेट फील हो रहे हैं बहुत अपने लग रहे हैं साक्षी मींस मुझे अनुभव नहीं किया जा सकता मुझे देखा भी नहीं जा सकता मुझे अनुभव किया जा सकता मैं वो आत्मा हूँ दिस सिमिलर फीलिंग दैट आई वांट टू शेयर नॉट सिमिलर बट व्हाट हैपन रेपिटेटिव स्टोरी मन में चलती है और रेपिटेश चलते हैं And that that is not, we are not judging, they are uh, but repetitive. And, and someday you feel like, is it going to end? Am I progressing? Is something happening? I'm sitting, since we've started practicing this, I'm sitting, I'm doing Amrit Vela. Hindi, Hindi, Hindi. सॉरी oh, हाँ जी तो क्या होता है कि एक ही तरह की ना बार बार कहानियां चलती रहती हैं चलती रहती हैं और वो कहानियां जब भी आप अंतर्मुख होते हो आप देखते हो वही टेप रिकॉर्डर चल रहा है फिर थोड़ी देर बाद आप योग में बैठे हो देख रहे हो फिर वही टेप रिकॉर्डर चल रहा है आप बड़े पेशेंटली देख रहे हो आप उसको जज नहीं कर रहे आप उसको हटा नहीं रहे आप फिर बाबा के साथ कंबाइंड होकर फिर थोड़ी देर बाद देखते हूँ तो कुछ टाइम बाद ऐसे मन में एक ये संकल्प उठता है क्या कुछ प्रोग्रेस हो रहा है क्या मैं मतलब अपने आप से ही कुछ बातें तो नहीं कर रही हूं कहीं कुछ टेक्निक विधि बाबा कहते कुछ बदल ही नहीं रहा तो मतलब ये तो नहीं बाबा कितने पुरुषार्थ करो बदलो तो वही चली जा रहा है मैं वही थी जहां थी वही हो तो वो एक डाउट होता है जहां हमें एक पर, एक परिणाम लेने की एक प्रूफ देखने की आदत है जहां पे आपने कहा कि हाँ जब हमें एकदम अमृत मिला बैठते हैं और शांति महसूस होती है फिर लगता है कि हाँ ना फिर हम दीदी को भी ब्लेसिंग देंगे और बाबा को भी थैंक यू कहेंगे और कहेंगे हाँ अभी अभी ठीक चल रहा है वेरी गुड यू नो बट फिर कभी ऐसे वही 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 चल रहा है हम रोक भी नहीं रहे हैं कुछ हो भी नहीं रहा है अः uh, ये एक प्रकार का एक्सपीरियंस है जो हमने देखा और दूसरा एक वंडरफुल चीज ये देखी के बात करते करते और कर्म करते करते हम एकदम से जब अंदर जाते हैं तो एकदम से स्टिलनेस को मूवमेंट में बॉडी मूव कर रहा है मन रेगुलर मूव कर रहा है तो उस मूवमेंट में जब अपनी स्टिलनेस को देखते हैं तो ये महसूस किया कि जो धड़कने तेज होती हैं, जैसे आपने कहा उसको एकदम से स्लो एक ट्रांसफॉर्म हो गई बात कर रहे हैं और सुनते सुनते भी जैसे अभी मीटिंग थी शिवरात्रि की तो एकदम से बहुत दिलचस्पी से हंड्रेड परसेंट और जैसे ही देखा अंतर्मुक्ता हुए एकदम अनुभव चेंज उसी सीन का एकदम से जैसे फोकस फुल था अब फोकस आउट आउट फोकस हो गया एंड फोकस आ गया लाइट्स पर तो ये एक चीज बार बार ये देखा कि ये स्विच मोड होता है तो वो जो रेस्टलेसनेस और वो जो हमारी नॉर्मल ही हार्ट बीट है वो एकदम डाउन हो जाती है तो ये ये दो एक्सपीरियंस है yeah, बिल्कुल पहला जो एक्सपीरियंस आपने बताया ना हाँ आप अगर इस इमेज में देखेंगे आत्मा हमेशा बाबा के साथ है राइट right? लाइक like बाबा की युम्बेलिकल कॉर्ड से जैसे कनेक्टेड है आत्मा है ना yeah. बिल्कुल बाबा के बाबा से अपने उस ट्रुथ के लिए हमेशा पावर उसमें भरता ही रहता है भर, भरता रहता है मीनिंग आत्मा को अपना सत्य स्वरूप एब्सोल्यूट सत्य ही सत्य लगता है है ना अब कुछ संकल्प हैं जो चल रहे हैं सिक्लिकल थॉट्स बोलते हैं ना उनको mm. रिपीटिंग होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे उसको भी फीड करने वाला कौन है चलते हैं थॉट्स पर मैं आत्मा अगर बाबा के साथ अंतर्मुख होकर उन थॉट्स को बाबा के साथ साक्षी होकर देख रही हूं तो वो रेपिटेशन नहीं होगा उनका हम्म वो कॉन्स्टेंटली चलते चलते कुछ मेरा इंटरेस्ट है अभी तक इसमें hmm. कुछ कहीं वो मुझे अपने लग रहे हैं मुझे ये नहीं दिख रहा है कि वो मेरे अंदर एक संस्कार के रूप में चल रहे हैं मैं एक आत्मा और मेरे अंदर ये सब आत्मा के अंदर हमने जैसे बाबा ने बोला ना मैग्नीफाइंग ग्लास तो मैं आत्मा बाबा के साथ देख रही हूँ मैग्नीफाइंग ग्लास से जैसे कि मेरे अंदर ये सब तरह के संस्कार हैं तो जैसे ही तमोप्रधान सत्योप्रधान जो भी थॉट्स आ रहे हैं गुड बैड जो भी थॉट्स हैं मैं सबसे साक्षी हूं अब मान लीजिए लोअर नेचर के आज जो थॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा खींचते हैं आत्मा को क्योंकि वो बहुत इंटीमेट एक्सपीरियंस है आत्मा का अभी का रीसेंट एक्सपीरियंस है नाउ का एक्सपी मतलब रीसेंट पास्ट और रीसेंट फ्यूचर जो माइंड में चलता है वो इसी बर्थ के ऊपर बेसिस पे है ना उसके ऊपर सबसे ज्यादा थॉट्स चलते हैं पास्ट लाइफ का तो हमें पता नहीं है पर ये जो थॉट्स है ना सबसे ज्यादा चल रहे होते हैं सिक्लिकल थॉट्स है ना पर जितना आत्मा इस पे अटेंशन देने की बजाय अंडरस्टैंडिंग है ये चल रहे हैं, मुझे इनको ना रोकना है ना मुझे इनसे अपनी आइडेंटिटी है ना मुझे ये अपने लग रहे बस ये मेरे अंदर एक एनर्जी है जो मुझे बाबा ने बता दिया है कि दिस इज देयर आल्सो इटर इन यू है ना ये भी इटरनली तुम्हारे अंदर है ये पर तुम कौन हो इस पे अपने आप पे अटेंशन दो ये चल रहे हैं इसको नहीं देखते रहना है अटेंशन अपने इस एप्सल्यूट ट्रूथ में अपने उस उसमें क्योंकि ये फीलिंग के साथ आते हैं ये वाले सिक्लिकल थॉट्स और दीदी हम उसको करते भी हैं ट्रुथ पे लेकिन फिर जब थोड़ी देर बाद चेक करते हैं फिर वही साइक्लिक थॉट्स चल रहे होते हैं दैट ऑटोमेटेड जोन पे है शुरू शुरू में तो क्या होगा ना अगर आपने अभी रिसेंटली ये प्रैक्टिस अगर स्टार्ट की है तो अभी तो बहुत सारे आएंगे सामने पहले तो फोर्स ज्यादा होगा विकल्पों का एक बार तो है ना बाबा हमेशा ये एग्जाम्पल देते हैं ना होम्योपैथिक मेडिसिन और इसने तो अपने बॉडी में भी देखा है क्योंकि होम्योपैथी का ही ट्रीटमेंट लेती है हमेशा तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इसने हमेशा ये देखा है पहले फोर्स से सारे वो आते हैं आ, क्या बोलते हैं उसको सिम्टम्स हाँ फोर्स से सारे सिम्टम्स आते हैं है ना एकदम फोर्स से बहुत सारे पर अगर मैं उसको लेती रहती हूँ को लेती रहती हूँ लेती रहती हूँ तो धीरे धीरे उसका फोर्स कम 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 होता जाता है फिर मैंने देखा उस बीमारी की फ्रीक्वेंसी भी कम 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 होती जाती है एलोपैथिक मेडिसिन जो फोर्सफुली एक बार तो बंद कर देती है पर उसकी फ्रीक्वेंसी बीमारी की बढ़ती जाती है हाँ और होम्योपैथी से मैंने देखा कि एक बार बहुत जबरदस्त आएगा पर उसकी फ्रीक्वेंसी बीमारी की कम इंटेंसिटी उसकी कम 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 होती जाती सेम विद दिस नॉलेज और कल तो एक भाई आत्मा बहुत ब्यूटीफुल शेयर कर रहे थे कि देखो जब हम ऑफिस में भी काम करते हैं ना जब अपने वो बोलते हैं कि अपने जीवन भर का वो अनुभव सुना रहे थे कि कभी भी हम ऑफिस में भी कोई ऑफिस में काम करते हैं कोई रिजल्ट भी हम कंपनी का हम जब बता रहे होते हैं ना तो हम जो वीकनेस है उसको हाईलाइट नहीं करते हैं रिजल्ट अनाउंस करने में हम क्या करते हैं <laughs> जो हमारी स्ट्रेंथ्स है उसके बारे में बोलना छोड़ते ही नहीं है <laughs> मैंने कहा ये तो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग <laughs> क्योंकि बाबा हमको यही बोलता है कि जो भी तुम्हारे पुराने अंदर आ रहे हैं अनुभव जो भी संस्कारों पे ऊपर बेस्ड गुड बैड जो भी आ रहे हैं ज्यादा उनके बारे में नहीं देखो अपने एप्सल्यूट ट्रूथ में रहो बार बार तो सो so वॉट अगर आ रहे हैं जब मतलब कहीं ना कहीं जब आपने पहली बार भी देखा तो कहीं ना कहीं कोई टेंडेंसी थी अच्छा अब मैंने देखा अभी चले जाएंगे अगर वो दिख नहीं रहा है पर ये कहीं ना कहीं सूक्ष्म में ये इच्छा है हाँ। तो अभी तक मैंने वो, जीरो बहुत से... बहुत सूक्ष्म में दीदी रेजिस्टेंस है उनकी तरफ ने, इच्छा ने, है ने, बहुत सूक्ष्म में और अब इस आत्मा ने क्या प्रैक्टिस शुरू किया क्योंकि जब हम सत्य की तरफ देखते हैं तो दैट इज स्टिलनेस और जो दूसरी तरफ है वो कहानियों से भरपूर और यू नो you know, बहुत सारे उसमें टेंडेंसी है खींचने की तो अभी इस आत्मा ने क्या किया कि अपनी स्टोरी राइज एंड फॉल की स्टोरी शुरू कर दी आई डोंट इज राइट और नॉट बट पार्ट का राइज एंड फॉल है पार्ट मीन्स आपको आपकी माइंड की स्क्रीन पे ये शक्ल भी दिखेगी ये बॉडी भी दिखेगी और उसका अच्छा बुरा फील होता हुआ भी दिखेगा माइंड की स्क्रीन पे एंड दिस इज द राइज एंड ऑफ भारत यस yes. हाँ फाइन so uh, yes. uh, so जैसे आज बाबा ने कहा टॉप व्यू में टॉप व्यूज से देखो सो आई थिंकोल्यूट से देखो ट्रूथ से जहां जीरो रेजिस्टेंस है जहां जीरो इच्छा है कि ये अनुभव वापस आई नहीं कभी hmm. Hmm. हाँ जी सूक्ष्म में है सूक्ष्म में है दीदी बताए थी इट विल टेक इट्स ओन टाइम आई कॉन्ट फोर्स इट टू कॉन्ट इट यू कांट फोर्स इट जो अपनी स्पिरिचुअल पार्ट को और जो पार्ट है अपने स्पिरिचुअल पार्ट को कोई थोड़ा भी रश और फोर्स करने की कोशिश करता है वो कभी बाहर निकल ही नहीं सकता ओम शांति वो कभी बाहर निकल ही नहीं सकता है ना इसलिए यू कांट रश यू कैन ओनली बी द ऑब्जर्वर जो रश करना चाह रहा है उसका भी <laughs> <laughs> क्योंकि रश करने वाली भी एक आइडेंटिटी है अंदर वो रजो प्रधान आइडेंटिटी है हमारे अंदर फुल ऑफ एम्बिशन फुल ऑफ पैशन सब बिल्कुल आइडेंटिटी और वो I भी पुरुषार्थ में बहुत काम करती है यू नो आई टू इट रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू शुरू में शुरू शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है तभी हमको वो ब्राह्मण में ब्राह्मण जीवन हम जी पा रहे हैं hmm, because वो ये assist करती है, ये टेंडेंसीज भी yes. really, अपने उस एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझने के लिए मुझे उस टेंडेंसी को भी छोड़ना होगा पीछे मैं एम्बिशियस नहीं हो सकती मैं एम्बिशियसनेस को देख सकती हूँ I can be the observer of over ambitious spiritual identity. Mm. Basically, what pleasure or uh, pain. pain, dono ko dekhte hue, lekin thought mein nahi aaye ki ye pleasure hai aur ye pain hai, right? Ah, changing energy hai bas. Labeling भी बहुत करते हैं ना हम पर वो हम अभी explaining के लिए तो हमें करना होता है वो जरूरी नहीं तो मैं change of energy है अब वो आपको रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है पर वो है कहीं ना कहीं उससे रेजिस्टेंस है. है ना है तो वो रेजिस्टेंस भी आप अब जितना आप अपनी स्टिलनेस को पहचानेंगे वो रेजिस्टेंस भी सूक्ष्म 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 होता जाएगा होता जाएगा मतलब वो दिखेगा उसकी भी तो लेयर्स है ना इंटेंसिटी की रेजिस्टेंस की भी पहले हंड्रेड परसेंट वाला दिख रहा था अब आपको फिफ्टी परसेंट वाला दिखेगा फिर आपका वो खत्म मर्जी हो जाएगा फिर एक दूसरा संस्कार आएगा डाउट का अच्छा मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ इट्स लाइक गाड़ी वहीं पे घूम रही है घूम रही है घूम रही है, है।, <laughs> 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 <गूम> है। <laughs> <laughs> बिल्कुल है ना पर जैसे जैसे आप अपनी जीरो एप्सल्यूट इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति मींस कोई इच्छा नहीं है उस रेजिस्टेंस का भी रेजिस्टेंस नहीं देन यू आर सीइंग यू आर बिकमिंग मींस बिकमिंग बोल रहे हम वर्ड मींस यू आर बिकमिंग जीरो मींस यू आर नोइंग योर जीरो स्टेट नाउ आपकी अपनी सटलटी आपको अपनी कहीं कही ना कहीं आप खुद टेन परसेंट रेजिस्टेंस बन के फिफ्टी परसेंट रेजिस्टेंस को देख रहे हैं इतना सूक्ष्म है ये खेल hmm. हाँ जी तो जब मैं टेन परसेंट रेजिस्टेंस का स्वरूप हूँ तो मुझे पता नहीं कि मैं स्वरूप हूँ क्योंकि मैं वो हूं उस वक्त <laughs> स्वरूप का स्वरूप हूं <laughs> तो फिफ्टी तो दिख रहा है भी दिख रहा है अच्छा नहीं लग रहा है उसको कहीं ना कहीं मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ मिटाने की बट मुझे दिख रहा है ओके फिर उसमें डाउट भी आ रहा है ऐसी ऐसी लेयर्स होती है अंदर पूछो मन इसलिए जीरो से ही देखा जा सकता है बाबा को बिठा देती हूँ मैं तो आगे बट दीदी, दीदी ये ये भी एक सर्कल है ना जैसे हमारी बॉडी का सर्कल है हॉर्मोन्स का सर्कल है वैसे ही इन एनर्जीज़ का भी सर्कल है एक पैटर्न है आई हैव सीन यू नो सम डेज़ आर सतो प्रधान some oh. are, and then i see i see the, the soul sees how those tamopradan pattern so you know sanskars are coming 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 i i have seen these patterns. ye a yeah. cyclic pattern hai. within within the the bigger one there is a smaller one that comes and i see them but yes i see the intensity reduces every time mm -hmm. but i see they will come they will come Be the they, body they... Yeah. या माइंड yes. के अंदर सारी है पर मैं एक भी पैटर्न नहीं हूं मैं अगर माइंड की किसी भी पैटर्न से अपनी पहचान बनाती हूं है ना क्योंकि हमने बाहर की दुनिया में देखा है ना आउटसाइड वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ माइंड आउटसाइड वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट माइंड पैटर्न आई हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट बट आई पैटर्न मुझे कोई माइंड का पैटर्न बनना नहीं है मुझे पता है पर मुझे उसकी डिटेल में भी ज्यादा घुसना नहीं है मुझे अपने में रहना है नहीं तो उसके एनालिसिस में ही चली जाऊंगी तो फर्स्ट जाऊंगी आई जस्ट नीड टू नो कि हाँ मैं टेन परसेंट का स्वरूप बन के फिफ्टी परसेंट देख रही हूँ सोखे okay, पर वो टेन परसेंट भी अपने आप ही जाएगा जितना मैं फिफ्टी परसेंट को रिजिस्ट नहीं करूंगी तो फिफ्टी परसेंट को रिजिस्ट किया तो वो टेन परसेंट टेन परसेंट ही रहेगा मैं जीरो से देख ही नहीं पाऊंगी इसलिए बाबा बोल रहे ऊंची से ऊंची चोटी से देखो तो बाबा को ही बिठा दिया जीरो होना बहुत मुश्किल है अदरवाइज दैट इज विद बाबा यू कैन सी विदाउट इट्स इम्पॉसिबल एक्चुअली Yeah. Yeah. Really, like, yeah. yeah. इसलिए बाबा ने हमें कितनी बार आज मुझे बहुत सुंदर लगा बाबा ने आज बोला है बच्ची तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो तुम वंडरफुल आत्मा तुम्हारे अंदर ये सारे हैं देखो तुम्हारे अंदर ये संस्कार भी हैं ये भी हैं ये भी बच्ची सब आएंगे सब आएंगे सबकी अपनी अपनी पैटर्न्स है सब आएंगे चिंता नहीं करो तुम ये नहीं हो तुम्हारे अंदर ये सब कुछ है Atma does not mean only blissful experience. No, that is wrong. That is not what Baba is saying. So when Baba says Atma, bachcho, bachcho, tum parts dhari ho. So he means this only, na? You are good part. You are bad part. You are dirty part. Exactly. <laughs> सारे parts तेरे अंदर हैं. सारे अनुभव हैं. और तेरे अंदर हैं सब तरह तरह के अनुभव बच्ची. तो ये सब अनुभव आएंगे तेरे सामने संगम में. अपने उस जीरो स्टेट को पहचान तू जीरो स्टोरी वाली आत्मा जीरो पर ये सब तेरे अंदर है घबराती क्यों है मैं तेरे साथ हूं मेरी गोद में बैठ के देखना सब कुछ तो ये जो घबराने वाला भी वो तू नहीं है वो भी एक वो भी एक पैटर्न है माइंड के अंदर इसीलिए जितना अपने ऐप ट्रूथ को जानेगी इट इज कॉन्स्टेंट हैप्पीनेस क्योंकि ये हैप्पीनेस माइंड की आने जाने वाली हैप्पीनेस नहीं है कि हाँ अच्छा अच्छा अनुभव हुआ तो हैप्पी खराब हुआ तो अनहैप्पी लेबलिंग भी कौन कर रहा है अच्छा मैं तो देखती हूँ चेंजिंग एनर्जी है चेंजिंग एनर्जी ठीक है हम तो लेबल करना ही बंद कर दिया है सिर्फ समझाने के लिए क्लास में बोलना पड़ता है हमें लेबल्स कभी कभी नहीं तो कैसे हम बोलेंगे बट अदरवाइज इंटरनली देर इज जीरो नो गुड बैड बाबा एनर्जी चेंज हो गई इट्स ओके इट्स अ चेंज ऑफ एनर्जी हु नो यू आर कॉन्शियसनेस विद इन विच देर आर वेराइटी ऑफ एनर्जीज इसलिए बाबा हमको याद दिलाने तुम कॉन्शियसनेस और तुम्हारे अंदर ये है इनका बहुत जबरदस्त पुल है नहीं। कम नहीं ये भी हा? कम नहीं है पूरा पुल लेके बैठे ये एनर्जी फील्ड है आपके अंदर कॉजमस है ये है जब बोलते हैं ना हर आत्मा के अंदर अपना एक यूनिवर्स है ये है यूनिवर्स ना तो मैं कौन अपने अंदर की दुनिया या मैं जिस दुनिया को लेकर जिसको वो मैं वो जो इस दुनिया को पॉसिबल करती हूँ लिविंग ड्रामा को आए मुझे कल की मुर्दी भी पढ़नी है बहुत बहुत सुंदर है देखते हैं ड्रामा कैसे खुलता है अब देखो मैंने अपने अंदर देखा ये कल की मुरली भी पढ़नी मिस ना हो जाए <laughs> हाँ कि कैसे कैसे आता है अपने अंदर अटैचमेंट टू मुरली वेरी फनी देखते हैं अभी तो आज ही मुरली से जुता निकलता है वो मुरली तो पढ़नी ही है देखते हैं कब मौका मिलता है ड्रामा अनुसार बाबा कहते हैं डेस्परेशन आई वॉन्ट टू रीड दैट मुरली ऐसे अंदर से आ रहा है बाबा कहते हैं मीठी बच्ची अपने को आत्मा समझ बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं मैं आत्मा हूँ एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ पाठ बजाती हूँ बेहद बाप के बच्चे हैं अब मैं एप्सलूट आत्मा अपने अंदर इस अनुभव को देख रही हूं बड़ा अच्छा लग रहा है ये अनुभव मुरली से तो अटैचमेंट है जस्टिफाई भी कैसे करता है माइंड बट hmm? <laughs> hmm? अगर वो अटैचमेंट रेस्टलेसनेस क्रिएट कर रहा है साक्षी होके देख लो ये सत्तो प्रधान माया है जिसको बाबा बोलते हैं ना प्रधान माया दिस इज प्रधान माया वो मुरली रह नहीं जाए कहीं वो पढ़नी है <laughs> तो प्रधान माया आत्मा साक्षियों के देख रही है ठीक है अभी ये ड्रामा अनुसार ये खुल रहा है तो इसको खुलने दो खुलने दो इसी को खुलने दो <laughs> बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं मैं आत्मा हूं एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं पाठ बजाते हैं ये है पाठ बजाने का मीनिंग अभी क्लियर हुआ पाठ बजाने का मीनिंग सभी को अच्छा बेहद बाप के बच्चे हैं यह अच्छी रीति पक्का करना है बाबा फील करते हैं सब एक रस हो जाएं तो राजाई ही ना बने राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं यह सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो हैं उनको याद रहती है बच्चे सावधान इसीलिए कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो इट खट्स द हेड ऑफ ऑल डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्टोरी एंड पार्ट विद इन यू एक भी अनुभव मैं नहीं अनुभव से परे आत्मा इसलिए उंगली टच नहीं करते स्वदर्शन चक्रधारी चक्र चलता ना उंगली को टच नहीं करता आपने देखा है ना इमेज में घूमता रहता है घूमता रहता है पर उंगली को टच नहीं करता उंगली आत्मा है और उसके आसपास घूमने वाला चक्र, ये, कहानी है। तूफान। पर ये स्टिल और उसके अराउंड तूफान चलते ही रहते हैं कहानियों के अनुभवों के अच्छे बुरे अच्छे बुरे माइंड बोलता रहता है अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा और आत्मा स्टिल तो घुमा रहे चक्र या चक्र के अंदर घूम गए <laughs> <हुँ>? <laughs> चक्र के अंदर नहीं चले जाना चक्र के बीच में हो हाथ नहीं लगाना उस मैं नहीं हूं चल रहा है सारा टाइम पर मैं नहीं हूं ये संगम युग स्टिलनेस एंड मूवमेंट खो एक्जिस्ट अब इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे साइलेंस एंड नॉइज खो एक्सिस्ट को एग्जिस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में साथ साथ हैं हाँ साथ साथ चल रहा है सब कुछ जिसने सोचा ये ना हो यही हो वो तो कभी अपने ट्रुथ को पहचान ही नहीं सकता इट हैज टू को एग्जिस्ट दिस इज संगम आत्मा और परमात्मा का जब संगम होता है तो ये संगम भी सब पता चलते हैं हमें को एग्जिस्ट कर रहे हैं पैरेल है ऐसे नहीं बस बाबा है उसको पैरल बनाने दिखाने और मैं यहां से देख रही हूं पहले मैं यहाँ थी अंदर ऐसे अंदर घुसी हुई अंदर थी अब बाबा ने मुझे अलग किया है अलग किया है पैरल ट्रैक्स है ये अभी दोनों मुझे बाबा के साथ साक्षी होकर दिख रहे हैं प्रधान एंड तमो प्रधान दोनों पैरल चल रहे पर मैं दोनों से साक्षी ट्रू तो बाबा बोले स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है सो भी अब बाप ने समझाया है इसीलिए बाबा बोले स्वदर्शन चक्र मीन्स मन मना भावा ये भी बोला है बाबा ने तो किसी का क्वेश्चन था आज किसी ने टेक्स्ट में भेजा स्वदर्शन चक्र कैसे फिराते हैं फिराना नहीं होता है उसको ये अंडरस्टैंडिंग है अब उसमें बाबा मुझे दिखा रहा है कि हाँ तुम्हारा देवी देवता वाले संस्कार तुम्हारे पूज्य संस्कार तुम्हारे ब्राह्मण संस्कार तुम्हारे हे एब्सोल्यूट आत्मा तेरे अंदर एंजलिक संस्कार ये सारी प्रॉपर्टीज भी हैं तेरे अंदर याद दिला रहा है बस पर तुम पहले कौन हो अनादि स्वरूप अपना एब्सोल्यूट संस्कार पहचान अब एब्सोल्यूट ट्रुथ पहचान फिर उसमें तुम्हें तुम्हारे सत्व प्रधान संस्कार अपने लगेंगे तब तुम्हें अपने आप ही वो संस्कार पहले सारे जानो अनादि स्वरूप में बैठकर पहले सब कुछ पहचानो और फिर जब तुम सब कुछ अपने अनादि स्वरूप में बैठकर नॉलेजेबल हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे वो जो सत्व प्रधान संस्कार हैं वो यूज होंगे वो ऑटोमेटिकली होंगे सोच कर नहीं होंगे क्योंकि अनादि स्वरूप सोच से नहीं चलती है अनादि स्वरूप बिना सोच के चलती है जो सोच कर सत्वप्रधान संस्कारों को यूज कर रहा है वो सोच ही सोच को यूज कर रही है अभी तक जो सोच कर पावर्स को यूज कर रहा है वो अभी तक खुद जागृत नहीं है हा? आधा जागृत फुली जागृत नहीं फिर बाबा कहते उनकी वो भाषा निकलेगी दस बार तो सहन कर लिया ग्यारहवीं भी, भी मैं ही करूं क्या तो मुंह से भाषा निकलेगी उनकी और आत्मा जब करती है वो सोच कर नहीं करती कि मैं सहन करूं वो अपने आप ही होता है मुझे सहन करना फीलिंग भी नहीं आती कि मैंने कुछ सहन किया मेरे अंदर के विकारों का भी मैंने सहन किया नहीं आई जस्ट आई कैन ऑब्जर्व एंड आई कैन नॉन जजमेंटली सी बट आई डोंट फील दैट्स मी मैंने तो कुछ भी नहीं किया मैंने तो सिर्फ साक्षी होके देख के अनदेखा किया मेरा तो ट्रूथ मुझे तो वही लग रहा है जो था हमेशा मैंने क्या सहन किया वीन आपको फील नहीं हुआ नहीं किसने क्या बोला नहीं फील हुआ समझ ही नहीं आया मुझे तो <laughs> समझ ही नहीं आया अटेंशन <laughs> अंदर है अपने ऊपर दिस इज वॉट बाबा कॉज इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड डेज है बचपना बचपन के दिन क्योंकि बिल्कुल अटेंशन बाहर खत्म और अंदर की दुनिया में भी हम सहन नहीं कर रहे सहन शक्ति ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट रूथ से मैं अपने अंदर के विकारों को देख रही हूँ मुझे सहन करना नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो मुझे अपने ही नहीं लग रहे तो वो सहन क्या करूं उनको मैं सहन करूं? है ही नहीं मेरे तो तो बाप कह रहे हैं तो या, बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो प्लीज अंडरलाइन दिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो means no with 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 Baba 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 you will see everything. Being Being does not mean फिर मैं बाबा के साथ हूं तो फिर मुझे ये सब कैसे दिख रहा है दीदी दी? ये सब कैसे आ रहे हैं अरे बाबा के साथ हो तो ज्यादा दिखेगा ये प्रूफ है बाबा के साथ होने का हां जी एब्सोल्यूट सोल मींस अनादि स्वरूप त्रिनेत्री सुप्रीम सर्जन के साथ तो सारी बीमारी बाहर आएगी सब कुछ सामने आएगा और आना भी चाहिए तब आप राइट कर रहे हैं नहीं तो पता नहीं क्या क्या दबा पड़ा अंदर दिख ही नहीं रहा आपको तो आप तो उसका स्वरूप बनकर ही जी रहे हैं तो स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है सो भी अब बाप ने समझाया है यह भी बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं <laughs> बाबा को पता है ये ड्रामा अनुसार जिसका जो पुरुषार्थ चलना है वो चलेगा पर फिर भी बाबा कराते हैं क्योंकि उसका पार्ट है बट ही नोज कौन कितना लेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिखाना बंद कर देगा हाँ ठीक है गिव अप ये तो इतना ही लेगा हाँ ये इतना ही लेगा हाँ, ये इतना ही लेगा नो नॉट ऑल पता सब कुछ है बट मैं अपना पार्ट लेकर मैं सिर्फ ट्रुथ को देख रहा हूं और पार्ट कर ऐसे ही हम आत्माएं भी कर रही हैं है ना तो जो सच्चे बच्चे हैं वह कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है यह भी उनका आना मदद करना ड्रामा में पार्ट नुंधा हुआ है बाबा का हरेक को नहीं होगा ये जो जितना आत्मा अपने इस पर्सन आइडेंटिटी से साक्षी है इन फीलिंग्स ये सारे संस्कारों से साक्षी है उतना बाबा आपको यूज कर पाएगा है ना पर यूज कर पाएगा मीनिंग नहीं कि मैं चार क्लासेस दे रही हूं चार प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये मीनिंग नहीं है उसका हा <laughs> बाबा यूज कर पाएगा मीनिंग क्या इनकॉग्निटो गुप्त ना आपको पता ना किसी और को पता ड्रामा बड़ा विचित्र है ये समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए है ना तो ये बाबा ने आज हमें बोला है किसी को कुछ पूछना है कहना है इस मोमेंट में कैन मी अनम्यूट अश्रिता उनका हैंड काफी देर से सिस्टर आप अनम्यूट करें अपने आपको ओम शांति सिस्टर एक संकल्प आ रहा था जब आप बता रहे थे तो ये आत्मा जो है ये दोनों फीलिंग में बहुत एंजॉय करती बाबा के साथ मतलब वो चाहे पेन की हो चाहे कुछ अचीवमेंट की हो तो दोनों को देख के बहुत करती है तो हर पल में एंजॉयमेंट फील होता है फिर वो चाहे हर्ट का सीन है चाहे कुछ भी है तो ये तो हो सकता है ना इस तरीके से मतलब ना, ना। ये ही होता है एक्चुअल में आत्मा अनुभवों को देखती है साक्षी होकर अपने ट्रुथ से देखती है तो अपने ट्रूथ को एंजॉय कर रही है अनुभव तो आ रहे है, जा रहे है, न्यूट्रल वही मतलब उसमें भी हाँ, मजा आता है मतलब हर चीज में मजा आ रहा है कि हर सेकंड मजा आ रहा है कि अरे वाह ये भी फील नहीं आ रही है अच्छा ये भी आ रही है मतलब पर दोनों में बहुत मजा आ रहा है तो हाँ, जैसे कहते हैं हाँ, मतलब ना कि ब्राह्मणी इसी को बोलते हैं हाँ तो नहीं जो नहीं? लगता है यही कि ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है जो बाबा कहता है अब समझ में आ रहा है कि मौज मतलब किसी इसमें आप बहुत ऊपर चले गए किसी इसमें आप एकदम से नीचे आ गए फिर आप ऊपर चले गए मतलब वो चीज तो मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इन फीलिंग से भी साक्षी होना है क्या नहीं नहीं ये मतलब... जो आपकी इकोनमिटी वाली स्थिति है उसमें से तो आप बैठकर सब देख रहे हैं बाबा के तो ये हैं बाबा अति इंद्रिय सुख जिसका कोई ऑपोजिट नहीं है hmm. जो ऊपर नीचे नहीं है पर वहां से बैठकर मैं वो ऑपोजिट देख सकती हूँ ऊपर नीचे देख सकती हूँ okay. हाँ बिल्कुल थैंक यू थैंक थैंक यू, यू बाबा रीटर आवाज आ रही है हेलो ओम शांति हाँ अब आ आवाज आ रही है दीदी है हाँ अब आ रही है हेलो आ रही है दीदी हाँ, दीदी जैसे आज आपने बताया उसके बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ तो आप बता ओम शांति सिस्टर ओम शांति या। आप ओम सिस्टर। ओम सिस्टर आपने, बाबा ने बोला ना कि बचपन के दिन मुझे समझ में नहीं अच्छा इस... क्या होगा जैसे जैसे आत्मा अपने जीरो स्टेट को बिल्कुल अच्छी तरह से पहचान जाती है ना उठ जाती है बिल्कुल तो फिर उसको ये नहीं पता चलता है कि मैंने ये पावर यूज किया है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है उसको ये नहीं पता चलता मैंने ये वर्च्यू यूज किया है वो अपने आप ही हो रहा है उसमें वो मैपन का भाव ही नहीं कि मैंने कुछ गुण यूज किया या मैंने उसके अंदर अच्छा कुछ देखा या मेरे अंदर ये अच्छी अच्छाई है उसको पता ही नहीं वो अपने आप ही हो रहा है एक बच्चा होता है ना छोटा सा बेबी है ना बड़ा प्योर लगता है ना वो प्योरिटी सोच के प्योर नहीं हो रहा है <laughs> वो है ही प्योर वो उसकी रेडिएट ही हो रही है उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं प्योर हूं बस मैं हूं है ना तो अभी संगम में शुरू शुरू में क्या होगा मैं आत्मा जैसे जैसे जागृत होती हूं तो वो वर्च्यूज और पावर्स यूज हो रहे हैं तो अभी थोड़ा तो हमें भान होता है कि हाँ देखो मैंने सहन शक्ति को यूज किया कहीं कुछ पता होता है अभी हा? क्योंकि हम कॉन्शियसली सोल कॉन्शियस हैं अभी अभी कभी, कभी, कभी अब आप देखेंगे उसकी भी फ्रीक्वेंसी की मैं कर रही हूं या मैं ये यूज कर रही हूँ पावर ये धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलेगा ये हो रहा है फिर कोई बाहर से आपको बोलेगा पता है आपको आपने आपको फील नहीं हुआ उन्होंने ऐसे बोला तो आपको लगेगा उसने क्या बोला आपको ऐसे ऐसे लगेगा उसने कुछ बोला क्या मुझे तो पता भी नहीं चला मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं तो अपनी ही आत्मिक खुशी में इतनी बिजी थी कि मुझे किसने क्या बोला और मन ने भी सहन मतलब मन को भी नहीं टच हुआ वो, वो इन जागृत हो रही है आत्मा की वो पावर्स यूज कर रही पर उसको पता ही नहीं चल रहा है वो यूज कर रही है ना तो अभी नहीं तो क्या होता ज्ञान पॉइंट लगाऊं सहन करू माइन जस्ट लाइक छोटा बेबी ओके सिस्टर थैंक यू एकदम छोटा बेबी गुड क्वेश्चन थैंक यू दीदी इनायु सेब टच नहीं हुआ कि उन्होंने क्या बोला सो so, uh, ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए मन के अंदर भी वो संस्कार ही इमरज नहीं हुआ ओके सोल सॉरी हर्ट होने का संस्कार ही इमर्ज नहीं हुआ okay, हम्म hmm, क्योंकि वो सोल के लिए एवरीथिंग इज इक्वल हाँ मतलब सोल ऑलरेडी मैटर हाँ सो इतना में है ना अपने उसको अब वो अपना एब्सोल्यूट ट्रुथ ही इतना अपना रियल लगने लगा है मन भी उसके अंदर मर्ज होता जा रहा है है ना तो कुछ कुछ चीजें आप देखेंगे कि अब टच ही नहीं होती है होता है ना सभी के साथ हुआ होगा ये फर्क ही नहीं पड़ा उन्होंने क्या बोला पता ही really? नहीं पड़ा उन्होंने क्या बोला बिकॉज आई एम इन माइ लिविंग तो अभी एक क्वेश्चन है दीदी ब्रदर राहुल का ये थोड़ा एक्सप्लेन करें um, yeah. आ, ब्रदर राहुल है ग्रुप में तो आप ही पूछेंगे या मैं रीड करू क्वेश्चन So, दीदी विल टेक दिसम शांति दीदी एक बार फिर से बुद्धि uh, तो, uh, से थोड़ा स्लिप हो गया है की एक्सप्लेन uh, कर दे की ड्रामा में सोल uh, के लिए क्या चीज फिक्स नहीं है हम्म, उसका एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो ही ड्रामा से बाहर है बाकी सब ड्रामा में फिक्स्ड, हम्म, <laughs> बाकी सब फिक्स्ड है, यही बाबा ने कल की मुरली में बोला था जो इसको पढ़नी थी बट अभी पार्ट है नेक्स्ट टाइम पढ़ने का इसलिए <laughs> हाँ वो मुरली में से छूटेगी नहीं जब तक वो पढ़ेगी नहीं हाँ <laughs> पर ये सब ड्रामा में फिक्स्ड है एक्सेप्ट योर एब्सोल्यूट ट्रूथ क्लियर हुआ डॉक्टर राहुल म्यूटेड है शायद आप अनम्यूट कर सकते हैं डॉक्टर आमीन ब्रदर राहुल दीदी थोड़ा क्लियर हुआ आ, एक चीज और इसी से हुआ है कि आ, जब मैं आत्मा अपने एब्सोल्यूट ट्रुथ में होती हूं परमधाम में त्रिकालदर्शी स्टेट में चीजें तो बिल्कुल क्लियर आत्मा को ऑब्जर्व होती है एक डिटेच ऑब्जर्वर के रूप में तो उस समय कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको जो कहीं ना कहीं वो मुझे आइडेंटिफाई होता है कि वो आत्मा के जो गुण हमने सीखा है जाना है वो उसी से रिलेटेड है जैसे अपने शांति को वो अनुभव करती है आत्मा तो ये ये जो अनुभव है क्या ये भी स्क्रिप्टेड है या जी, फिर आत्मा सारे अनुभवों से परे है शांति अगर वो टेम्प्री है थोड़ी देर तो हुआ फिर कुछ और आ गया फिर वो अभी तक माइंड ही था दीदी मैं समझ रहा हूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसको थोड़ा क्लियर करिएगा जो है आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है जिसको एक केवल नोइंग है हम उसको जान सकते हैं साइलेंस है वो साइलेंस है हाँ सिर्फ जान जस्ट फॉर नॉलेज हाँ बस जान सकते हैं क्योंकि अभी भी मन हमसे कहीं ना कहीं अटैच्ड ही है और बॉडी भी हमारी है वो सोल कॉन्सियस वाली बॉडी भी नहीं है तमो प्रधान बॉडी है तो इसके लिमिटेशंस हैं जो शायद क्लियर नहीं होने देते ढाई हजार साल से माइंड बॉडी क्रेव कर रहे हैं आत्मा की शांति को ढाई हजार साल से भूखे हैं माइंड बॉडी जैसे आत्मा की शांति को महसूस करने के लिए तो वो अभी जैसे ही थोड़ी सी माइंड को मिलता है आत्मा का सत्य स्वरूप दिखता है माइंड बड़ा खुश हो जाता है कंफर्ट फील कराता है कंफर्ट फील करता है बॉडी भी रिस्पोंड करती है तो एक्चुअल में माइंड बॉडी माइंड इंटेलेक्ट संस्कार बॉडी ये सब मर्ज होना चाहते हैं अब आत्मा में अब वो भी बहुत बाबा बोलते हैं ना माया भी थक गई है अब <laughs> अब उसको भी नहीं करना है ये सब वो भी थक गई है वो जाना चाहती है तो तुम अपने एब्सोल्यूट सत्य में रहो तो अपने आप ही चाहे मन खुश है चाहे दुखी है चाहे बहुत शांत है अशांत है कभी मेरी ट्रुथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कभी नहीं कर रहा है इट्स ओके okay. मुझे माइंड से कुछ नहीं चाहिए तो वो माइंड अपने आप मुझे फॉलो करेगा वो चुपचाप बाबा के पास आके बैठ जाएगा चुपचाप एक डॉग होता है ना दुम हिलाते हिलाते मालिक के पास आके बैठ जाता है शांति से ऐसे <laughs> माइंड चुपचाप आके बैठ जाएगा हाँ माइंड को हम डॉग नहीं बोल रहे हैं कहने का मीनिंग है डॉग में खराबी नहीं है डॉग भी अच्छा है वो भी एक आत्मा है हुँ? पर कहने का मीनिंग है कि माइंड को जितना उससे आप अपना पहचान नहीं बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो खुद शांत होना चाहता है वो आत्मा के अंदर मर्ज होना चाहता है ना बस। तो आप अपनी शांति में रहें। मैं ओम साइलेंस हूं तो बस साइलेंस नथिंग, इन इट। पहले ये क्लियर हो, फिर उसमें से जो शांति प्रेम सुख वो निकलती है फ्रेगरेंस उसमें उसको ये भान नहीं होता कि ये मेरी फ्रेगरेंस है मेरापन नहीं होता उस शांति में उस सुख में उस पावर में उस नॉलेजफुल स्टेट में मेरापन नहीं है कि ये मेरी मैं पावरफुल देखो मैंने पावर यूज किया वो नहीं है उसमें फिर उसमें वो इनोसेंस है पता ही नहीं उसको अपने आप ही हो रहा है ओके थैंक यू वी कैन डू वन थिंग और जैसे आपने ये uh, एक इंग्लिश में क्लास है ना